नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो आईपीएल 2024 का मैच नंबर 60 खेला जाएगा 11 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7:30 बजे से यानी कि 7:30 PM से। तो आज की इस वीडियो में इस मुकाबले का कम्प्लीट मैच प्रिव्यू करने वाला हूँ, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस मैच के लिए ईडन गार्डन्स की पिच रिपोर्ट क्या है, जबकि इस मैच में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली हैं। इसके अलावा इस मैच में ईडन गार्डन्स की पिच पर कौन से गेंदबाज और बल्लेबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए, जबकि इस मुकाबले का मैच प्रेडिक्शन भी करने वाला हूँ। तो ओवरऑल ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस मैच से जुड़ी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप आईपीएल 2024 से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट्स, इसके अलावा हर आईपीएल मैच से पहले फाइनल पिच रिपोर्ट, मैच प्रेडिक्शन और फाइनल फैंटेसी टीम पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं आईपीएल 2024 के मैच नंबर 60 के लिए ईडन गार्डन्स की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम रीसेंट आईपीएल मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो आईपीएल 2024 के अभी तक 6 मैचेस इस मैदान पर हो चुके हैं, जिनमें से 2 मैच फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 4 मैच सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 205 रन्स का है, तो वहीं एवरेज सेकेंड इनिंग्स का स्कोर भी 205 रन्स का रहा है। तो आप इन आईपीएल 2024 में खेले गए मैचों के स्टैट से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में ईडन गार्डन्स की पिच पर जिस टीम ने सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करी है उस टीम को ज्यादा एडवांटेज मिला है। इसी वजह से आईपीएल 2024 में इस मैदान पर चेस करने वाली टीम्स ने ज्यादातर मुकाबले जीते हैं। ईडन गार्डन्स की पिच एक बैटिंग फ्रेंडली पिच है। इस पिच पर बल्लेबाजी करना पूरे मैच में काफी आसान साबित होता है, क्योंकि गेंद बल्ले पर काफी अच्छी गति और उछाल के साथ आती है, तो बल्लेबाज पिच पर मौजूद पेस एंड बाउंस को ट्रस्ट करके अपने शॉट्स आसानी के साथ खेल पाते हैं। और यही कारण है कि आपको इस मैदान पर हाल फिलहाल में काफी हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले हैं। आईपीएल 2024 के जो 6 मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, उनकी 8 पारियों में आपको 200 के ऊपर का स्कोर देखने को मिला है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आईपीएल 2024 में ईडन गार्डन्स की पिच बल्लेबाजों को कितना ज्यादा सपोर्ट कर रही है। और इस मैच के लिए भी जो रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं, उसमें यह बताया गया है कि फिर से आपको एक बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिलेगी, तो एक बार फिर से आप हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद कर सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बाउंड्री डायमेंशंस की। तो ईडन गार्डन्स ज्यादा बड़ा मैदान नहीं है, यहाँ पर आपको ऑफ साइड की स्क्वायर बाउंड्री 59 मीटर्स की देखने को मिलती है, तो वहीं पर लेग साइड की स्क्वायर बाउंड्री 72 मीटर्स की है और सामने की तरफ यानी कि स्ट्रेट बाउंड्री 75 मीटर्स की है। तो छोटा मैदान होने की वजह से ईडन गार्डन्स पर काफी ज्यादा चौके और छक्के देखने को मिलते हैं। और इस मैच में भी जिस प्रकार की बैटिंग लाइनअप केकेआर और एमआई के पास मौजूद होगी, एक बार फिर से चौकों और छक्कों की बरसात हो सकती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आईपीएल 2024 में इस मैदान पर जो 4 मैचेस चेस करने वाली टीम्स ने जीते हैं, उनमें से 2 मुकाबलों में फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 200 से नीचे बना था, जो कि आसानी के साथ चेस हो गया था, जबकि बाकी के 2 मैचेस में फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 220 के ऊपर बना था, लेकिन वो स्कोर भी सक्सेसफुली चेस हो गया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आईपीएल 2024 में ईडन गार्डन्स पर बड़े बड़े स्कोर्स डिफेंड करना भी काफी चैलेंजिंग साबित हुआ है, और यहाँ पर बड़े बड़े स्कोर्स भी आसानी के साथ चेस हो जा रहे हैं, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में ये पिच बल्लेबाजी के लिए और भी ज्यादा आसान हो जाती है। इसी वजह से मुझे लगता है कि जो भी कप्तान इस मैच में टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगा, और एक बार फिर से चेस करने वाली टीम को इस मैच में एडवांटेज मिलेगा।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए आईपीएल 2024 के मैचों के कुछ रिकॉर्ड्स की। तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो पीबीकेएस का है केकेआर के खिलाफ 262 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लोएस्ट टोटल डीसी का है केकेआर के खिलाफ 153 रन 9 विकेट के नुकसान पर। हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ है वो पीबीकेएस ने किया है केकेआर के खिलाफ 262 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ है वो केकेआर ने किया है एसआरएच के खिलाफ 208 रन 7 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस मैच में ईडन गार्डन्स की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो जो लास्ट 6 आईपीएल मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो उसमें टोटल 46 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं जबकि 22 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 30 विकेट्स लिए हैं जबकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 16 विकेट्स मिले हैं। राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने भी 16 विकेट्स लिए हैं। इसके अलावा राइट आर्म लेग स्पिनर्स को 4 विकेट्स मिले हैं तो वहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने 2 विकेट्स लिए हैं। तो आप इन लास्ट 6 आईपीएल मैचेस के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में ईडन गार्डन्स की पिच से तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिल रही है, इसी वजह से फास्ट बॉलर्स ने स्पिनर्स के कंपैरिजन में ज्यादा विकेट्स भी चटकाए हैं। खास तौर पर जो शुरुआती 6 ओवर्स होते हैं दोनों इनिंग्स के यानी कि पावर प्ले ओवर्स, उसमें तेज गेंदबाजों को पिच से काफी मदद मिलती है, नई गेंद स्विंग भी करती है जबकि उनको पिच से सीम मूवमेंट और अच्छा बाउंस भी मिलता है। इसी वजह से दोनों इनिंग्स के पावर प्ले ओवर्स में फास्ट बॉलर्स इफेक्टिव साबित होते हैं। और इस मैच में भी जिस टीम के तेज गेंदबाज शुरुआती 6 ओवर्स में सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करेंगे वो आपको 2 या 3 विकेट चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि इसके बाद मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये पिच बल्लेबाजी के लिए और भी ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी, लेकिन फिर भी इस पिच पर पूरे मैच के दौरान अच्छा पेस एंड बाउंस मौजूद रहेगा तो इस पेस एंड बाउंस का फायदा पूरे मैच में फास्ट बॉलर्स को मिलेगा। इसके अलावा अगर स्पिनर्स की बात कर लें तो आईपीएल 2024 में जो 6 मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं उसमें हमने देखा है कि मिडिल ओवर्स में इस पिच से स्पिनर्स को भी थोड़ा ग्रिप और टर्न मिलता है जिसके कारण दोनों पारियों के मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स ने भी काफी विकेट चटकाए हैं। खास तौर पर केकेआर के 2 राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण ने इस पिच पर काफी अच्छी गेंदबाजी करी है, इसी वजह से इन दोनों स्पिनर्स को काफी ज्यादा विकेट्स भी मिले हैं और इस मैच में भी ये दोनों ऑफ स्पिनर्स काफी अहम रोल अदा कर सकते हैं। पर ओवरऑल दोस्तों मुझे लगता है कि इस मैच में एक बार फिर से आपको फास्ट बॉलर्स स्पिनर्स के मुकाबले ज्यादा विकेट्स चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों मेरा आपके लिए ओवरऑल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स ज्यादा इंक्लूड करने चाहिए इन कंपैरिजन टू स्पिनर्स, और आप 3-2 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो जहां पर आप 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो, 2 स्पिनर्स में आप 2 राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स के साथ जा सकते हो। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें तो आपको केकेआर की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे विकेट कीपर बल्लेबाज फिल सॉल्ट के साथ सुनील नारायण। नंबर 3 पर आ सकते हैं अंगकृष रंगवंशी या फिर नीतीश राणा में से कोई एक। नंबर 4 पर आएंगे कप्तान श्रेयस अय्यर। नंबर 5 पर वेंकटेश अय्यर। नंबर 6 पर आंद्रे रसल। नंबर 7 पर रमनदीप सिंह। नंबर 8 पर रिंकू सिंह। नंबर 9 पर मिचेल स्टार्क। नंबर 10 पर वरुण चक्रवर्ती और नंबर 11 पर हर्षित राणा आ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब केकेआर की टीम गेंदबाजी करेगी तब इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर टीम राइट आर्म फास्ट बॉलर वैभव अरोड़ा को इस्तेमाल कर सकती है बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी या फिर नीतीश राणा की जगह पर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एमआई यानी कि मुंबई इंडियंस की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो आपको एमआई की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। नंबर 3 पर आएंगे सूर्य कुमार यादव। नंबर 4 पर नमन धीर। नंबर 5 पर तिलक वर्मा। नंबर 6 पर कप्तान हार्दिक पांड्या। नंबर 7 पर टिम डेविड। नंबर 8 पर निहल वदेरा। नंबर 9 पर अंशुल कंबोज। नंबर 10 पर जसप्रीत बुमराह या फिर आकाश मधवाल में से कोई एक खेलेगा और नंबर 11 पर नुवन तुषारा आ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब मुंबई इंडियंस की टीम गेंदबाजी करेगी तब इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर टीम राइट आर्म लेग स्पिनर पीयूष चावला को इस्तेमाल कर सकती है बल्लेबाज निहल वदेरा की जगह पर।
इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इस मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लें, तो आईपीएल के इतिहास में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस का आमना सामना टोटल 33 मैचेस में हुआ है, जिसमें से मुंबई इंडियंस ने 23 मैचेस जीते हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने सिर्फ 10 मैचेस जीते हैं। तो ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड में मुंबई इंडियंस का पलड़ा काफी भारी है। इसके अलावा जो लास्ट 5 आईपीएल मैचेस इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं, वहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने कम्प्लीटली डोमिनेट किया है, क्योंकि केकेआर ने 4 मैचेस जीते हैं, जबकि एमआई की टीम सिर्फ 1 मैच जीत पाई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस के बारे में। तो ईडन गार्डन्स पर कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस का आमना सामना टोटल 10 आईपीएल मैचेस में हुआ है, जिसमें से 7 मैच मुंबई इंडियंस ने जीते हैं और सिर्फ 3 मैच कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने जीते हैं। तो इस मैदान पर भी मुंबई इंडियंस की टीम ने काफी ज्यादा डोमिनेट किया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म के बारे में। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो लास्ट 5 आईपीएल मैचेस खेले हैं, उसमें से 4 मुकाबले जीते हैं, जबकि सिर्फ 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस ने जो लास्ट 5 आईपीएल मैचेस खेले हैं, उसमें से सिर्फ 1 मैच जीता है, जबकि 4 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच के लिए दोनों टीमों की तरफ से की प्लेयर्स की, जो कि इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आप इन्हें अपनी फैंटेसी 11 में कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले बैटर्स की बात कर लें, तो आप कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से ऑलराउंडर सुनील नारायण के साथ जा सकते हो, जो कि आईपीएल 2024 में गेंद और बल्ले दोनों के साथ शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 10 मैचेस में 459 रन बना चुके हैं 46 के एवरेज और 186 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ, जबकि गेंद के साथ भी पिछले 10 मैचेस में 13 विकेट्स ले चुके हैं। इसके अलावा आप उनके ओपनिंग जोड़ीदार फिल सॉल्ट के साथ भी जा सकते हो, पिछले 10 मैचेस में 375 रन बना चुके हैं 41 के एवरेज और 193 के खतरनाक स्ट्राइक रेट के साथ। दूसरी तरफ आप मुंबई इंडियंस की तरफ से सूर्य कुमार यादव को फैंटेसी 11 में रख सकते हो, पिछले 9 मैचेस में 334 रन बना चुके हैं 42 के एवरेज और 176 के स्ट्राइक रेट के साथ, जबकि आप तिलक वर्मा को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो, पिछले 10 मैचेस में 295 रन बना चुके हैं 42 के एवरेज और 142 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो अगर हम सबसे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलर्स की बात कर लें, तो यहां से आप राइट आर्म ऑफ स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के साथ जा सकते हो, पिछले 10 मैचेस में 15 विकेट्स ले चुके हैं 8 की इकोनॉमी और 14 के स्ट्राइक रेट के साथ, जबकि आप सुनील नारायण की जगह पर राइट आर्म फास्ट बॉलर हर्षित राणा के साथ जा सकते हो, क्योंकि हर्षित राणा आईपीएल 2024 में बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, हर मैच में 2 या 3 विकेट्स जरूर लेते हैं। दूसरी तरफ आप मुंबई इंडियंस की तरफ से राइट आर्म फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह को फैंटेसी 11 में रख सकते हो, पिछले 10 मैचेस में 15 विकेट्स ले चुके हैं 6 की इकोनॉमी और 15 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप राइट आर्म फास्ट बॉलर जिराड क्वेटसे के साथ भी जा सकते हो, पिछले 8 मैचेस में 10 विकेट्स लिए हैं 10 की इकोनॉमी और 15 के स्ट्राइक रेट के साथ। और अंत में दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन के बारे में। तो एक तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है, जिसने आईपीएल 2024 में अभी तक 11 मैचेस खेले हैं, उसमें से 8 मुकाबले जीते हैं, जबकि 3 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की टीम है, जिसने आईपीएल 2024 में अभी तक 12 मैचेस खेले हैं, उसमें से 4 मुकाबले जीते हैं, जबकि 8 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ्स की दौड़ से ऑफिशियली बाहर हो चुकी है, हालांकि मुंबई इंडियंस की पूरी कोशिश होगी कि इस मुकाबले को जीतकर अपना सम्मान बचाया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अगर ये मुकाबला जीतती है तो प्लेऑफ्स में ऑफिशियली क्वालिफाई कर जाएगी। ऐसे में आपको इन दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है। वैसे हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस के फेवर में है। मुंबई इंडियंस ने इस मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लेकिन वो इतिहास की बात है। आईपीएल 2024 में वानखेड़े स्टेडियम पर इन दोनों टीमों का जब आमना सामना हुआ था, तो उस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बेहतरीन जीत हासिल करी थी, जो कि 12 सालों में वानखेड़े स्टेडियम पर केकेआर की पहली जीत थी। और इस आईपीएल 2024 में जिस फॉर्म में केकेआर की टीम नजर आ रही है, इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। तो ऐसे में रीसेंट फॉर्म को देखते हुए मुझे लगता है कि इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा भारी है, और ऐसे में इस मुकाबले की जो मेरी विन प्रेडिक्शन है वो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ ही जाने वाली है।
सो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की। आपको क्या लगता है किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है और आपके हिसाब से कौन सी टीम आईपीएल 2024 का मैच नंबर 60 जीतेगी, कोलकाता नाइट राइडर्स या फिर मुंबई इंडियंस? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।